So hello guys, my name is Smith. I am one of the co-founder of Smart Beauty Strategies. तो यार सबसे पहले कुछ वीडियोस में हमने एक वीकली स्ट्रेटजी दी थी, तो आप वीकली स्ट्रेटजी का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी 3 वीक्स हो गए उसको दिए हुए, उसने एक बार भी अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है। रिटर्न बहुत कम दे रहा है, बट जितनी हमने कही थी उतनी रिटर्न दे रहा है। 1 से लेकर 1.5% आपको पर वीक की रिटर्न मिल रही है, ठीक है। तो देखा जाए तो यार वो भी रिटर्न अच्छी है, लेकिन साथ ही हमने कहा था कि यार एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि जो थोड़े सुकून वाली स्ट्रेटजी हो, कि जिसमें आपको जो है स्क्रीन टाइम है बहुत ही कम देना पड़े। तो उसके लिए हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको निफ्टी की वर्किंग पेपर स्ट्रेटजी बताई थी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो हम अभी देखते जाते हैं कि यार उसका जो रिज़ल्ट है ना वो हमारे पास क्या आया। तो अभी मैंने जो स्ट्रेटजी लगाई थी वो मैंने लगाई थी 15 मई को, वो मैंने स्ट्रेटजी लगाई थी, ठीक है। तो आज जहाँ तक हुई है, आज है मेरी 31 मई, और आप देख सकते हैं निफ्टी वहाँ से जो है कुछ खास चेंजेस नहीं हुए, हार्डली 100 या 200 पॉइंट का मूव दिया है, लेकिन उस स्ट्रेटजी का रिजल्ट देख सकते हैं मेरे को उसमें से आ रहा है 3200 रुपीज़, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.3%। और हमने टारगेट कितना रखा था 30 डेज़ का, तो 30 डेज़ का टारगेट हमने रखा था अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से लेके 3% के बीच। तो मेरे अकॉर्डिंगली अगर 15 दिन में 1.3% आ रहा है, तो यार 30 डेज में 2.5 आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यार ये वीडियो बनाने का मोटिव क्या है, कि ये नहीं है कि मैं कहूँगा कि आपने रियल में स्ट्रेटजी लगा ली, आप इससे पैसे कमा रहे हैं, नहीं। आप जो है एक इसके चाहे इससे पेपर ट्रेडिंग करें, 2-3 महीने इसको पेपर ट्रेडिंग करके देखो। अगर आपको लगता है कि वाकई ही ये स्ट्रेटजी कोई काम की है तो प्लीज़ हमें कमेंट करो। अगर आपको लगता है यार कि स्ट्रेटजी नहीं काम की है, ठीक है, और इसमें क्या क्या जो है और चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, तभी हमें कमेंट करो। लेकिन आप ये देखिए कि अभी तक इस स्ट्रेटजी ने रिजल्ट दिया है, मार्केट 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे हो रही है, लेकिन स्ट्रेटजी पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। इनफैक्ट इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो गई है, विच हैज़ बीन इंक्रीज टू 99.76%, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 100%। बट अगेन यार शेयर मार्केट में अगर आप आए हो ना, तो FD छोड़ के आए हो, तो इसका मतलब है कि शेयर मार्केट में 100% जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। यहाँ पे जो 100% है, या फिर दूसरे टर्म में हॉली ग्रेल है, वो कोई स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, वो आपको खुद बनना पड़ेगा, और वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बने रहिए हमारे साथ, जिस तरीके से हमने यहाँ पे जो स्ट्रेटजी बनाई है इसका रिजल्ट दिया है, इसी तरीके से वन बाय वन जो तीनों स्ट्रेटजीज हमने लगाई हैं उसका एक एक करके रिजल्ट डिस्कस करेंगे। और जब तक आपको ये स्ट्रेटजीज अच्छे से आ नहीं जाती, तो ही उसके बाद हम जो है कुछ और नई वीडियोस बनाएंगे या कोई नई स्ट्रेटजीज लेके आएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि आपको 100 हथियार चलाने आ जाएं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही हथियार की प्रैक्टिस अगर आप 100 बार करेंगे ना, ठीक है, तो यार ये ज़्यादा अच्छा होगा। वाह क्या लाइन बोली मैंने, ठीक है, चलो एनीवे हाउ, ठीक है। तो बाय गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो और इसका रिजल्ट जो है अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, हम देखते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी जो है टारगेट हिट करती है नहीं करती, और प्रॉफिट लॉस जो भी कुछ होगा ना यार आपके सामने शेयर किया जाएगा। तो मेरे को सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं दिखाने, मेरे को आपको दिखानी है रियल ट्रेडिंग, कि रियल ट्रेडिंग में होता क्या है। प्रॉफिट बनेगा तो भी आपके सामने शो करेंगे, लॉस बनेगा तो भी आपके सामने शो करेंगे। और मैं चाहे इसमें रियल ट्रेडिंग कर भी रहा हूँ ना भी कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं आपको अभी यही कहूँगा कि भाई आप जो है पेपर ट्रेडिंग करें एंड डू द ट्रेडिंग इन द ऑप्स्ट्रा, क्योंकि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और फ्री में अवेलेबल है। चलो गुड नाइट गाइस, वेट फॉर द अनदर वीडियो।